हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोलू जी टेक्नोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए वीवो U20 में जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया था इस बार, तो इसमें बहुत कुछ बग्स वगैरह देखने को मिले हैं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट जैसे ही ऑन कर रहे हैं, मेरे साथ खुद भी हुआ है प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने जैसे ही अपने फ़ोन को अपडेट किया, मैं वीडियो उस टाइम शूट कर रहा था, आप सबको पता है, चैनल पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया, तो क्या हुआ, अपलोड करने मैंने यहाँ पे इंटरनेट वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया था, मैंने वीडियो बना के तो डाल दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ, इस बग्स वगैरह जो प्रॉब्लम है उसको मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट में जो भी बग्स हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम होता है इंटरनेट वगैरह यूज़ करने में, उन सबको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर से देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है मैंने एक वीडियो बनाया था वीवो U20 फ़ोन के अंदर जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया था उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया है मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं A1.5.9 का है, ये देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, फन टच OS का। तो ये न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप सबको मैंने दिखाया था इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिले, बग्स वगैरह। अब बग्स वगैरह कैसे थे वो मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन अगर करते थे, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, तो अभी ये ओपन हो जा रहा है। क्यों, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो ये ओपन हो रहा है, अदरवाइज अगर आपने अपडेट किया तो ये यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें ओपन नहीं होती थी, बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको आप इसे सॉल्व कर सकते हो, उसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, आपका इंटरनेट वगैरह सब कुछ अच्छे से चलने लगे। ठीक है, तो बग्स को फिक्स किस तरीके से करना उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अभी मैं बता दूँ, इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद एक और सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, और ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है बल्कि इसके लॉन्चर के अंदर अपडेट आया है। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ स्मार्ट लॉन्चर का अपडेट आ चुका है, ऊपर की साइड यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। तो मैं अभी इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ एंड इसी के बारे में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में आ रहा है करेंट वर्जन पे अपडेट आ चुका है। तो मैं इसे फटाफट से डाउनलोड करता हूँ। इसकी जो साइज होने वाली है वो होने वाली है 11 MB के आसपास, और इसका जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिलता है V2.8। ठीक है, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दो फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे फटाफट से अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे अपडेट नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसे फटाफट से अपडेट होने देते हैं। इसे थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने में, क्योंकि यहाँ पे नेट कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आप सभी लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन का माहौल है, और इस टाइम पे लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से अभी इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डाउन में चला गया है। तो फटाफट से हम वेट करते हैं इसका जल्दी से हो जाए, और तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। और राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो मैं सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसे इनेबल करेंगे उसके बाद आपको ऊपर से बैक लेना है, और उसके बाद इसे आपको स्मार्ट लॉन्चर को आपको इंस्टॉल करना है। तो ये आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वीवो प्रोवाइड करा रहा है, तो ये बिल्कुल सिक्योर है। तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है, देन आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको करना है अपडेट, इसका भी अपडेट आया है। जब तक आप इसे अपडेट नहीं करोगे तब तक ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जो इसका न्यू वर्जन का अपडेट है वो है V2.8.2.0 का। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन अपडेट है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हो ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन दिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने उसी दिन इसका अपडेट भी मुझे रिसीव हुआ है, मैंने इसे अपडेट किया, तब मेरा फ़ोन जाके सही हुआ। मेरे फ़ोन के अंदर इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ सॉल्व हो गई, सारी प्रॉब्लम। ठीक है,
तो जब तक आपका स्मार्ट लॉन्चर नहीं अपडेट होगा तब तक आपको ये सारी बग्स वगैरह देखने को मिलेंगी। एंड देन जैसे ही आप इसे अपडेट करते हो तो आपका इंटरनेट सब कुछ स्मूथली रन करेगा। तो अभी मेरे पास तो आया था नोटिफिकेशन ऊपर में, ठीक है, इसे अपडेट करने के लिए। वो वाला वीडियो मैं आपको आपको जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया कि आप लोग खुद देखें प्रैक्टिकल जिस तरीके से मैंने अपडेट किया। जैसे ही मेरा अपडेट हुआ उसके बाद ऊपर में नोटिफिकेशन आया तो मैंने उस चीज़ को अपडेट किया, ठीक है, स्मार्ट लॉन्चर को। अभी आपको किस तरीके से अपडेट करना तो मैं बता देता हूँ आपको। इस साइड स्वाइप करना, ठीक है, उसके बाद ऊपर में आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्मार्ट लॉन्चर। बट आप उसको वहाँ से मत देखना, यहाँ पे आपको राइट साइड में मिल जाएगा थ्री डॉट, आप उस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट लॉन्चर ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ नीचे में स्वाइप करते हुए आना है। उसके बाद चेक फॉर अपडेट पर आप क्लिक कीजिए और इसका अपडेट आप लोग को मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन होगा। इसके बाद आप उसे जैसे इंस्टॉल कर लोगे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और भी अगर आपको कई सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी वीडियो का सॉल्यूशन जरूर दूंगा, उस पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका प्रॉब्लम लगेगा मुझे कि हाँ ये सब सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीवो U20 के जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट है इस प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, मेरे को पता है। और YouTube पे कोई भी क्रिएटर ऐसा नहीं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया हो या फिर इस पर वीडियो बनाया हो। तो मेरे को भी यहाँ पे 2 दिन का टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, इस प्रॉब्लम को, ठीक है, 2 दिन का टाइम लगा। फाइनली जो इस प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। एंड देन मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मैं YouTube को ओपन कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन में इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से करो आपका 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने भी किया, मेरा फ़ोन अभी अच्छे से चल रहा है, सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, ठीक है, मैंने खुद भी यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लो, आपका फ़ोन सही हो जाएगा। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और आप भी कुछ नया सीख पाओ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।